નમસ્કાર, અમે લોકો ગુજરાતમાં ઉમરગામથી બોલીએ છીએ અને અમારું આ લગભગ 15 વર્ષથી બંગાળી સમાજનો દુર્ગાપૂજાનો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. અમે આ દુર્ગાપૂજામાં 5 દિવસની જે મહાષષ્ઠીથી લઈને દશેરા સુધીના પ્રોગ્રામ હોય છે એમાં અમે લોકો કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ ફોર ગર્લ્સ, લેડીઝ, કિડ્સ અને બધા જ કેટેગરીના લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. આ અમારા સમાજનો એવો પ્રોગ્રામ છે જેના થ્રુ ઘણા બધા લોકોને પ્રોત્સાહન મળે છે અને આગળ આવવાની ચાન્સ મળે છે. પ્લસ અમારું જે મહાનવમીનું મહાભોજ હોય છે એમાં લગભગ આખા ઉમરગામ અને આજુબાજુના બધા જ બંગાળી, નોન બેંગોલી બધા જ લોકો મળીને 1000 થી 1200 લોકોનું મહાભોગનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તે સિવાય અમે લોકો અંધ આશ્રમ અને જેવી રીતે અનાથ આશ્રમ છે એ બધા જ જગ્યાએ પણ આ ફૂડ અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ આ 5 દિવસમાં. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, મેં બેંગોલી એસોસિએશનથી બોલ રહી હું. દુર્ગા પૂજા હમારા બેંગોલી લોકો કા મેઇન ફેસ્ટિવલ હોતા હૈ જો કિ પંચમી મતલબ નવરાત્રિ કા 5 દિન સે ચાલુ હોતા હૈ ઓર ષષ્ઠી કા દિન સે મેઇન હોતા હૈ. પંચમી કા દિન હમ લોગ ઇધર ભોગ પ્રસાદ રંગોલી વગેરા બનાતે હૈ ઓર ષષ્ઠી કા દિન સે મા કા આગમન કરતે હૈ. और फिर ये कल्चर हम लोग उमरगांव में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमारा जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को हमारा कल्चर बताना भी है जो हम लोग मतलब बंगाल में क्या करते हैं क्या नहीं, जो कि इधर रह के उन लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलता है. 5 दिन का पूजा रखते हैं, दशहरा का दिन विसर्जन होता है, धूमधाम से ही करते हैं. और बच्चे लोगों को कल्चरल प्रोग्राम जैसे बंगाली में होता है, हमारे सारे बच्चे बंगाली में भी करते हैं, हिंदी, गुजराती, कोई भी मतलब लैंग्वेज में डांस, सिंगिंग वगैरह सब कुछ होता है. और ये मतलब जैसे हम लोग बंगाली है, हमारा जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो उन लोगों को इतना मतलब हमारे बच्चे लोगों को इतना पता नहीं चलता है जो हमारा कल्चर क्या है. हम लोग दुर्गा पूजा खाली नहीं, इसके बाद लक्ष्मी पूजा होगा वो भी करते हैं, फिर इसके बाद काली पूजा होता है वो भी करते हैं, बसंत पंचम के दिन सरस्वती माता को भी लाते हैं जो उसका भी पूजा करते हैं. हमारा मतलब बंगाली लोगों का बोलते हैं जैसे 12 महीना और 13 फेस्टिवल होता है कोई भी भगवान का, हम लोग मतलब धूमधाम से, कलकत्ता में तो बहुत धूमधाम से होता है. धन्यवाद. आप लोग ध्यान से देखिए ये कहानी, बारी बारी कहानी है जो आज की जिंदगी में हर किसी के घर पे हो रही है. ये कहानी का नाम है 3 कहानियां, छोटा छोटा 3 कहानियां. पहला भाग, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, माँ पीछे पीछे खाना खिलाते रहते हैं, खा ले बेटा, कितना मेहनत करते एक माँ अपने बच्चे के लिए, बचपन इसी से बड़ा होता है, घंटों लग जाते हैं एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए, कि बड़े गिर जाते हैं मां उठाते हैं. ये वक्त कैसे निकल जाते हैं बच्चे को पता नहीं चलता. ये कहानी का पहला भाग. पिता और पुत्र, बाप और बेटा अपना घर के बाहर बैठे हैं, बेटा मोबाइल पे लगे हुए हैं, पिताजी का उम्र हो गया, पिताजी बेटे को पूछते हैं, बेटा वो क्या है? बेटा बोलता है पापा वो चिड़िया था. बेटा ये दे दे क्या लिखा है. बेटा डायरी पढ़ता है, उसमें पिताजी लिखा हुआ रहता है, आज मेरा बेटा पहली बार मुझे पूछा कि ये क्या है पापा, मैंने कहा चिड़िया है.
मेरा बेटा ने 10 बार मुझे पूछा और 10 बार मैंने बताया कि ये चिड़िया है और तुम 3 बार में ही मेरे से नाराज हो गए। सॉरी पापा, सॉरी, थैंक यू। दमण मा प्रख्यात यस सिरामिक एंड प्लाईवुड जे छेल्ला 20 वर्ष थी मोटी दमण मा कार्यरत छे, ज्यां तमने सेनिटरी वेयर, टाइल्स, फैंसी सीपी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, पीवीसी पाइप फिटिंग्स, एसएस सिंक, वाटर टैंक्स एंड प्लाईवुड वगैरह। मोबाइल नंबर 9898217712 एंड 7016373483।